यार तुम्हारे ना आज मजे होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई आज खाने वाला है इंटरनेशनल फूड ब्रांड्स के खाने जो इंडिया में ज्यादा फेमस नहीं है। मतलब कि ये मतलब छोड़ो यार, खाना खाने चलते हैं, बाकी बातें बाद में। यार इस चीज को जरा चेकआउट करना, सच बताना मन कर रहा है ना भाई स्क्रीन से बाहर निकले तुषार के हाथ में जो भी है यार, इसकी एक चक मार के भाई इसके डब्बे में वापस रख दें। मेरा हमेशा से यही मन करता है जब मैं सिनेबॉन के स्टोर के आगे से निकलता था, यार दीज आर कॉल्ड सिनेबॉन, मतलब ये है चोकोबॉन और दिस इज सिनेबॉन। यार ये मैंने लिए हैं सिनेबॉन से, एंड सिनेबॉन इज एन अमेरिकन ब्रांड, और इनके पास कोल्ड कॉफीज मिलती हैं, सैंडविचेस मिलते हैं, और जो इनका सिग्नेचर है वो तो है सिनेबॉन। इंटरेस्टिंगली मैंने आज तक पता नहीं क्यों सिनेबॉन खाया ही नहीं है, सो दिस इज गोना बी माय फर्स्ट टाइम, एंड यस फाइनली आई विल बी हैविंग सिनेबॉन। यार ये वैसे 3 या 4 साल पहले इंडिया में आ चुका है, पता नहीं मैं किस चीज की वेट कर रहा था। बाय द वे दिस इज द मीडियम साइज, इसमें एक्चुअली 3 साइज़ आते हैं, एक तो यार ये छोटू सिनेबॉन देते हैं, एक ये मीडियम साइज वाले होते हैं, एक वो बड़ा वाला होता है। मैंने सोचा यार दो अलग अलग फ्लेवर्स अगर मुझे खाने और खाना वेस्ट नहीं करना तो मैं फिर मीडियम साइज ले लेता हूँ, मेरी एपिटाइट को भी सूट करेगा और दोनों भाई हम टेस्ट भी कर लेंगे। तो यार इसका ना पहले सीन बताता हूँ, पहले ये चेकआउट करो, मुझे लग रहा है आपको आइडिया हो गया होगा कि ये उन्होंने बनाया कैसे है। इनके पास ना पहले तो ये डो प्रिपेयर करते हैं, वो मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, डो को वो बड़े बड़े रोलर्स होते हैं उनके पास, उसको फ्लैटन करते हैं और इसके अंदर ना बहुत सारा ये लोग सिनेमन पाउडर डालते हैं। तभी भाई जैसे ही मैंने डब्बा खोला ना, क्या पंच आ रहा था सिनेमन का, पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस मेरी सिनेमन की हो चुकी है। एंड फिर इसको बेक करते हैं और ऊपर आप देख लो यार ये फ्रॉस्टिंग वगैरह लगाते हैं, एंड देन इसको थोड़ा सा वार्म करके हमें सर्व करते हैं, और साथ में ये लोग नाइफ और फोक्स भी देते हैं। मतलब सोचा बता दूं, मेरे को इनकी ज़रूरत नहीं है, आई एम गोना डिग राइट इनटू इट। ये चेकआउट करो, ये मैं इसका एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ना थोड़ा डस्टी सा, दिस इज एक्चुअली सिनेमन पाउडर। यार मुझे कहना पड़ेगा दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक कॉम्बो, मैंने मतलब ऐसे सिनेमन वाली ब्रेड कभी खाई नहीं और मुझे पता नहीं था कि यार ये इतनी टेस्टी होने वाली है। ओ हो हो भाई 10 में से 100 नंबर यार। दिस इज कॉल्ड द चोकोबॉन, मतलब फर्क मुझे ये लग रहा है कि इसके अंदर ना इन्होंने थोड़ी सी चॉकलेट डाली हुई है बस, और कोई एविडेंटली मुझे अलग चीज इसके अंदर नजर तो आ नहीं रही, बाकी भाई टेस्ट करके बताते हैं। यार सच बात बताऊं, टेम्प्टिंग तो ज्यादा मुझे चोकोबॉन लग रहा था, बट बिकॉज ऑफ दैट चॉकलेट सिरप वो जो ओरिजिनल टेस्ट है ना सिनेबॉन का जो अभी अभी मैंने पहले खाया वो नहीं आ रहा, इसके अंदर से बिकॉज ऑफ चॉकलेट वो सिनेमन वाला पंच ज़्यादा आ नहीं रहा। एंड आई थिंक यार इस ब्रेड की जो ब्यूटी थी ना वो इसका सिनेमन फ्लेवर ही था, तो भाई अगर आप सिनेबॉन जाओ तो अवॉइड दिस चोकोबॉन, सिनेबॉन को ट्राई करो जो इनका सिग्नेचर डिश है, भाई मज़े आ जाएंगे 100% गारंटी, पैसे पूरे होने वाले हैं आपके, आई कैन वाउच फॉर इट, ओनली फॉर दी सिग्नेचर वाला सिनेबॉन नॉट दी चोकोबॉन, तो ध्यान रखना। ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सारा वेस्ट कर दूंगा, पूरा खाऊंगा भाई, मज़ा सा आ गया यार। कॉफ़ी भी बहुत स्ट्रांग है भाई जैसे मुझे पसंद है। अब भाई चलें नेक्स्ट स्पॉट पे, पहले कॉफ़ी ख़त्म कर दो फिर चलते हैं। नेक्स्ट अप मैं जा रहा हूँ नैंडोज, यार ये साउथ अफ्रीकन बेस्ड फास्ट फूड चेन है, एंड दे स्पेशलाइज्ड इन ग्रिल्ड स्टाइल पेरी पेरी चिकन। ओह यह दिस इज़ गोना बी फन। ओके I am at Nando's and they are famous for a peri peri chicken. But यहाँ पे peri peri chicken के अलावा भी wraps मिलते हैं, salads मिलते हैं, burgers मिलते हैं और ये sliders मैंने order किए हैं। But first I'm gonna eat their famous peri peri chicken. Guys ये मैंने इनका leg piece order किया है and it is marinated in peri peri sauce. बड़ा juicy सा chicken लग रहा है, wait. Oh. यार मैंने ये ऑन द बोन चिकन ऑर्डर किया है, आप बोनलेस भी ऑर्डर कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू।
All right, guys, check my bite out. Oh, this is juicy. This is full of flavors. Bhai sahab, this is nothing what I have tried before. Guys, इन्होंने साथ में ना हमें दो sauces भी दिए हैं. यार, one is the mild peri peri sauce and one is the hot peri peri sauce. यार, इनकी sauces इतनी ज़्यादा famous है ना, ये आजकल supermarkets पे भी मिलती हैं. I'm gonna try the mild one first. Fries खा लेते हैं mild one के साथ. Oh, मुझे पता नहीं क्यों mild भी ज़्यादा ही hot लग रही है. ओ नहीं भाई, हॉट वाली नहीं खाई जाएगी, माइल्ड वाली से काम चल जाएगा मेरा. यार, आई थिंक आई एम गोना ऑर्डर वन मोर चिकन. यार, ये बहुत बहुत टेम्पटिंग है. यार, मैंने ना वेज स्लाइडर्स भी ऑर्डर किए हैं, साथ में इन्होंने मुझे सैलेड दिया है. वो चिकन मैं बाद में खाऊंगा, पहले भाई चेक माई स्लाइडर्स आउट. Guys, honestly, this is the like normal burger. मतलब इन्होंने बस इसके अंदर मेयो और थोड़ा सा सैलेड डाला हुआ है. एंड बस हाँ, ये पैटी क्रिस्प है एंड दिस इज़ आलू पैटी. मेरे लिए द स्लाइडर्स और सोसो, बट भाई पैसे पूरे किए हैं पहली पहली चिकन ने. 32, I guess. Thank you. The peri peri chicken was good. उस बढ़िया से peri peri chicken खाने के बाद, now it's time for some authentic Italian pizza. Thank you. So, पीछे रखते हैं. Guys, मैं हूँ अभी Pizza Express पे और ये है UK की pizza chain. और यार, इंडिया में भी इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं. खैर, इनके मेन्यू पे इनके बारे में कुछ लिखा हुआ था, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ. When our founder Peter visited London in 1965 and realized great pizza didn't exist there, he soon returned a man on a mission armed with pizza oven from Napoli and a chef from Sicily. Okay, तो पीटर भैया की वजह से अमेरिकन एक्सप्रेस ब्रांड है एंड आज पीटर भैया की वजह से विल बी ईटिंग देयर पिज्जाज. एंड इनकी गार्लिक ब्रेड भाई ऑलरेडी आ चुकी है. भाई अलग शशकीन की गार्लिक ब्रेड की, वेट लेट मी शो इट टू यू गाइस. यार, ये गार्लिक ब्रेड का ना सीन एकदम अलग है. ऐसी गार्लिक ब्रेड मैंने कभी देखी नहीं है, खानी तो दूर की बात. वेल यार, इसका टेक्सचर ना बड़ा सॉफ्टिश सा है. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट. बस नीचे थोड़ा सा क्रंच है. ऑफ कोर्स डोमिनेटिंग फ्लेवर मोज़रेला का है. अगर उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ओरिगैनो डाल दूं, तो इसमें मज़ा आ सकता है. और मैं वही करने वाला हूँ. यार, मैंने पिज्ज़ा में ना सोहो 65 पिज्ज़ा ऑर्डर किया है. पूरी पूरी भाई ऑथेंटिक इटालियन फीलिंग आ रही है भाई साहब. लिटरली ऐसा पिज्ज़ा मैंने पहले नहीं खाया. इन द वर्ल्ड फुल ऑफ पिज्ज़ा हट एंड डोमिनोज, चेक आउट द पिज्ज़ा एक्सप्रेस का पिज्ज़ा. गाइज, ये पहली बात तो थिन क्रस्ट पिज्ज़ा है एंड दिस इज़ अ वेजिटेरियन पिज्ज़ा. आई कैन टेस्ट टमेटो की टैंगिनेस और आई कैन टेस्ट अ लॉट ऑफ ऑलिव ऑयल ऑन इट. एज यू नो, इटालियंस भाई ऑलिव ऑयल बहुत यूज़ करते हैं. सो भाई, पूरी ऑथेंटिक इटालियन वाइब है, नो देसी वाइब हेयर. और ऊपर जो इन्होंने लीव्स डाली हुई है ना यार, अलग ही फ्लेवर आ रहा है उसकी वजह से पिज्ज़ा का. यार, ये ब्रांड तो यूके का है पर वाइब्स पूरी पूरी इटली की हैं. चीयर्स. और एक और बात, क्रस्ट बहुत बहुत सॉफ्ट है इसका, बहुत सॉफ्ट. एक पिज्ज़ा स्लाइस बचा है और एक गार्लिक ब्रेड बची है और मेरा पेट अभी के लिए फुल से तो फुल हो चुका है. सो टू टाइम्स एंड आफ्टर माई टू टाइम्स आई नीड सम मोर डेजर्ट्स. गाइज, आई हैव गॉट सम डेजर्ट्स.
मतलब यार इनकी डेजर्ट्स पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस करी। पहली बात तो यार इनकी पैकेजिंग देखो। ओ बाय द वे, ये डेजर्ट मैं लेके आया हूँ पॉल से। दिस इज अ फ्रेंच ब्रांड। लकीली भाई ये गुड़गांव में है मेरे घर के पास, सो इसके शश के आपको मैं तभी चेकआउट करा पा रहा हूँ। ये भाई ये कहीं से आपको ये पेस्ट्री का डब्बा लग रहा है? ये भाई मुझे लग रहा है इसके अंदर से रिंग निकलने वाली है। अबे खुल जा भाई, चेक दिस आउट। मतलब एक सेकेंड गाइज, नाउ चेक दिस आउट। यार ये इनकी कोई ट्रियो पेस्ट्री है, मतलब लग ही रहा है। यहाँ पे तीन अलग अलग लेयर्स हैं और वहाँ पे बाकी इतनी सारे लाइनअप थे पेस्ट्रीज के। भाई साहब उनका नाम कितना कॉम्प्लिकेटेड था, सारे फ्रेंच नेम उन्होंने दिए हुए थे। वहाँ पे क्रोसॉन्ट्स थे, वहाँ पे सैंडविचेस थे, वहाँ पे पफ्स थे, और जो उनका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वो इनकी पेस्ट्रीज थी और उनके केक्स थे। भाई साहब आई होप जो इनकी ब्रांडिंग है, दिस इज एडिबल। ओह या, डार्क चॉकलेट थी ये। वाओ, ओ क्या बात है यार। ये जो इसकी जो टॉपेस्ट लेयर है ना, दिस इज सम काइंड ऑफ अ चॉकलेट जेली यार। ये चेकआउट करो। और बाकी जो नीचे जो लेयर्स है ना तीन, यार इसमें से मुझे डार्क चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा बहुत मिल्क चॉकलेट का आ रहा है। भाई अलग ही फ्लेवर है यार। यार कुछ भी कह लो, आज लिटरली मेरे मजे हो गए। वैसे मेरा मन तो था वहां से दो तीन पेस्ट्रीज और उठा लूं, बट भाई आज इतना खाना खाया ना मैंने कि भाई मैंने सोचा अब बहुत हो गया आज के लिए, थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए बॉडी को। तो बस जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पज मैं लेके आया हूँ ये, और मुझे आइडिया नहीं था कि यार इतना अच्छा होने वाला है। अब तो जब भी जाऊँगा ना भाई एम्बियंस मॉल, पक्का दो तीन पेस्ट्रीज तो मैं उठा के लाने वाला हूँ। गाइस एक बात बताऊँ, अभी ना ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर है पर इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और फॉर्चुनेटली मेरे घर के पास भी हैं। तो भाई एक वीडियो और बन सकती है इफ़ यू गाइस वांट, तो मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो आई कैन मेक इट। भाई क्यों ना बनाऊँ, मेरे तो मज़े हो जाते हैं जब भी ऐसी वीडियो बनती हैं। चलो भाई लास्ट बाइट, पसीने आ गए, एसी वेसी मुझे ऑन करना है, एंड आई एम गोना सी यू रियल सून। टप टप करो, stay safe, stay happy and happy eating. Ta-da.